समाचार परिक्रमा में आप सबका स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में कश्मीर के पंपोर में मुठभेड़ जारी है। अभी पन्नीरसेल्वम को सारे विभाग देने के बाद खबर आ रही है कि चलीहा की हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। अभी तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। भाजपा और शिवसेना के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही गुटों के समर्थक और नेता आपस में भिड़ रहे हैं। हालांकि इस पर अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। एक अच्छी और मजेदार खबर, लालू अपनी ही तरह से बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि दशहरा की जब उन्होंने शुभकामनाएं दी तो कहा कि जब जो रिसस की गणवेश बदली है वो उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कहने पर बदली है। बहुत सालों पहले उन्होंने आरएसएस पर दबाव बनाया था कि वो अपनी गणवेश को बदल दें। दीपा कर्माकर का जिमनास में बेहतर प्रदर्शन रहा था और उसी प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें बीएमडब्ल्यू कार उपहार स्वरूप दी गई थी। लेकिन उनका कहना है कि जहां वो रहती हैं त्रिपुरा के छोटे गांव में, वहां वो उसे मेंटेन नहीं कर सकती, ना सड़कें हैं ना सुविधाएं, इसलिए वो अपनी कार लौटा देती है। ऐसी ही अन्य अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए आउटलुक की वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, ट्विटर हैंडल पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।